हेलो एवरीवन नमस्कार। आइए देखते हैं अपना अगला स्टॉक कौन सा है। अपने अगले स्टॉक के बारे में बात करें तो एसआरएम एनर्जी लिमिटेड है। ये डेली अपर सर्किट लगा रहा है, कभी भी लोअर सर्किट लगा सकता है। देखिए ये यहीं से लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, तो इसमें कभी भी धोखा हो सकता है। अभी इसका बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे, उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा, लगेगा हाँ इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। सब लोग बताते हैं पैसा लगा दो लगा दो लगा दो, अपर जा रहा अपर जा रहा, ये सब ऑपरेटर का खेल है। ऑपरेटर की बात करते हैं, देखिए दो रुपये से तकरीबन 28 रुपये चला गया, यानी 14 गुना ये प्रॉफिट, 1400% प्रॉफिट दे चुका है। तो देखा जाए कभी भी लोअर सर्किट लगेगा और ये लोअर सर्किट ही लगता जाएगा, आपको बेचने की मोहलत नहीं देगा ये। तो आइए देखते हैं इसमें इसका बैलेंस शीट एनालिसिस क्या कहता है। बैलेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा मार्केट कैप में 25 करोड़ का मार्केट कैप है। किसी ने 2 रुपये 50 2 रुपये पे ये 10 करोड़ रुपए लगाए होंगे, सब जितना भी शेयर अपने पास रख लिया, ये अपर सर्किट लगते हुए जा रहा है। तो इसका देखा जाए तो ये कंपनी है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, बहुत कम रेशियो है इसका, ये पावर सेक्टर का स्टॉक है। इसका सेल्स देखा जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ये निगेटिव ही रहा है, अभी तक निगेटिव ही रहा, कभी पॉजिटिव नहीं हुआ। इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो ये भी निगेटिव में ही रहा है नेट प्रॉफिट, बट ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तक देखा जाए तो ये ऑपरेटर का खेल है, ऑपरेटर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। जिस दिन को प्रॉफिट ज्यादा मिल गया बेचना शुरू कर देंगे और आप लेंगे, फिर लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया, फिर आप खरीद नहीं पाए, फिर 2 रुपये पे आके ये कंसोलिडेट करेगा, 2 रुपये पे आ जाएगा, तो आपका लॉस और पैसा भी नहीं निकाल सकते। इसका प्रॉफिट यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट देते हैं, पहले -0.35 का है, फिर -40 का है, ऐसे करके यहाँ पे देखिए जो है -16.65 -20.79, ये माइनस में ही अभी तक इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। तो ये देखिए कभी भी पॉजिटिव में रहा नहीं, तो मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है। मार्केट ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने ऑपरेटर हैं, 25 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें कोई 15 करोड़ रुपया लगा दिया, 15 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है जो ऑपरेटर है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। जिस दिन ये बेचेंगे उस दिन आप खरीदेंगे, आपके खरीदने के बाद ये कंटिन्यूस लोअर सर्किट लगेगा और फिर आप बेच नहीं पाएंगे। यहाँ बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में देखिए तो रिजर्व अकाउंट प्लस हमेशा माइनस में ही बढ़ोतरी कर रही है, -13 -30 -51 -52 -54 -94 90। तो ये देखा जाए एसेट की बात करें तो एसेट हमें ये घटते हुए जा रहा है, पहले 52 करोड़ का एसेट था, फिर 56 करोड़, 57 करोड़, 53 करोड़ का हुआ, 54 करोड़, 45 करोड़ का, 45 करोड़, 42, 26, 5 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़, 24 लाख, यहाँ देखिए 0.20 का एसेट बस बचा है, फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हैं, अगर आप अभी बाई करते हैं तो जो 2 रुपये पे ऑपरेटर लिया उसको 14 गुना प्रॉफिट हो गया, 1400% का प्रॉफिट बहुत होता है। तो अभी जब जो आप बाई करेंगे उसके बाद तुरंत तो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनेगा, बट पैसा नहीं बनेगा, वहां जैसे ऑपरेटर सेल करेगा उसके बाद आप बाई करके फंस जाएंगे, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इससे थोड़ा बच के रहिए, देखिए इसका बैलेंस शीट भी देखा कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे, कब तक लोअर सर्किट लगता है। हाँ लोअर सर्किट 2-3 रुपये पाता है तो ऐसे लगा के छोड़ दीजिए, बाकी देखिए ऐसे शेयर से बच के रहिए जिसमें केवल अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा हो। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।